हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो वी सी अबाउट द लास्ट लेसन चैप्टर वन रिटन बाय अल्फ्रेड डोडे। ओके, लास्ट लेसन में हमने देखा था उसकी स्थिति अनयूजुअल थिंग्स मिस्टर हेमल और फ्रांस के बारे में अबाउट द चैप्टर। टुडे वी लर्न अबाउट द चैप्टर समरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंड द समरी। इट इज द स्टोरी ऑफ फ्रेंच बॉय फ्रांस। ही इज लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक टू प्ले गेम। ही ड्रेड्स स्टडी फ्रेंच एंड हेट इज टीचर। दिस चैप्टर इज अबाउट द लास्ट लेसन मिस्टर हेमल एंड मिस्टर फ्रांस दोनों स्कूल के अंदर है। ओके, और ये जो फ्रांस जो था वो एक सेंसिटिव बॉय था और उसको क्या पसंद था टू प्ले। और ये जो स्टूडेंट था वो क्लासरूम के अंदर जो भी स्टडी करता था वो स्टडी के बारे में वो हमेशा अवॉइड करता था, यानी वो स्टडी करना नहीं चाहता, यानी अपनी लैंग्वेज के बारे में वो जानना नहीं चाहता। और अपने जो टीचर थे मिस्टर हेमल जो था उसको भी हेट करता था, अपने टीचर को भी वो हेट करने लगता। After overpowering the district of Alsace and Lorraine, तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट जो थी फ्रेंच की, टू डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट अल्सास एंड सेकेंड वन इज लॉरेंस। और सेकेंड जो डिस्ट्रिक्ट थी वो लॉरेंस। ओके, तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो बता रहा क्या कि उसके अंदर जो जर्मन लैंग्वेज है उस जर्मन लैंग्वेज को यहाँ पे स्टडी किया जाए, यानी फ्रेंच लैंग्वेज है इसकी जगह फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट जो थी दो अल्सास और लॉरेंस उस कंट्री के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर क्या ऑर्डर किया जाएगा कि उसके अंदर जर्मन लैंग्वेज को स्कूल के अंदर बढ़ाया जाए। तो उसके बारे में वो बताता है। बर्लिन हैज ऑर्डर दैट जर्मन बी टॉट इन द स्कूल दैट। व्हाट वाज जर्मन जर्मन कंट्री वाज ऑर्डर ऑन फ्रेंच। क्या कि उसके स्कूल के अंदर जर्मन लैंग्वेज को टॉट किया जाए, यानी जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाए। इट इज द लास्ट डे ऑफ देयर टीचर्स मिस्टर हेमल। सो व्हाट हैपेंड हियर, स्कूल के अंदर जो मिस्टर हेमल जो था उसने अपने स्कूल के अंदर 14 ईयर जो सर्विस की थी, स्कूल के अंदर जो भी टीचिंग किया था उसके बाद आज उसका लास्ट डे था अपने स्कूल का, क्योंकि उसके बाद अब जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा और कल से नया टीचर आएंगे, कौन जर्मन लैंग्वेज का नया टीचर। इसलिए यहाँ पे राइटर जो है आतंक टोडे वो बताता है कि उसका आज लास्ट लेसन था इसका मिस्टर हेमल का, अपने क्लास के अंदर टीचिंग करने का आज लास्ट लेसन था। मिस्टर हेमल who has been there for 40 years is full of grief, nostalgia and
पैट्रियोटिज्म। तो मिस्टर एमल जो था वो कैसे पर्सन था, फुल ऑफ ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया एंड पैट्रियोटिज्म, वो एक ग्रीफ पर्सन था। और तो मिस्टर हेमल जो थे वो एक ग्रीफ पर्सन था, यानी वो इमोशनली था। सेकंड नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया क्या होता है, अपने को अपने घर से दूर रहेगा, लंबे समय से अपने घर से दूर रहेगा, वो एक नॉस्टैल्जिया है। सेकंड लास्ट पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी अपनी लैंग्वेज के बारे में वो क्या जानता था, अपनी आइडेंटिटी मानता था, क्या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, तो एक पैट्रियोटिज्म। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क द विलेज मेन आर देयर टू अटेंड द लास्ट लेसन। एट द लास्ट तो विलेज पीपल जो थे वो क्या करते थे, अपने स्कूल के अंदर क्लास के अंदर लास्ट बेंच के ऊपर आकर बैठ जाते। बट ही डज नॉट नो फ्रांस नाउ, फ्रांस इज सो दैट इट इज हिज लास्ट लेसन। व्हेन मिस्टर हेमल सेड दैट दिस इज योर लास्ट लेसन, तो ऑल स्टूडेंट आर सो Now he gained interested in learning and understand everything taught on that day. जब मिस्टर हेमल ने ये बोला कि आज आपका लास्ट लेसन है, तो सारे स्टूडेंट उसको सीखने के लिए, उसको लर्न करने के लिए वो रेडी हो जाते और एवरीथिंग टॉट ऑन द डे, उस दिन जो भी उसको सिखाया जाता था उसके बारे में वो सब कुछ जानना था। He developed an instant liking for the teachers and respect him for his sincerity and hard work. He feels safe at that thought of departing from him, feel ashamed for not being able to recite the lesson. Mr. Hemal जब last lesson जब दे रहे थे तो वो ashamed यानी उसको शर्म आ रहा था और वो अपना last lesson दे नहीं पा रहा और अपने जो लेसन जो था उसको रिसाइट नहीं कर पा रहा। मिस्टर हेमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट द फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे। मिस्टर हेमल सेड दैट ये जो सारी बात है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ते थे, आप क्लासरूम के अंदर क्यों नहीं पढ़ते थे, वो एक मेरा फॉल्ट है और आपका भी फॉल्ट है, क्योंकि जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तब मैं क्या करता था, आपको मैं गार्डन के अंदर पौधों को पानी देने के लिए मैं आपको बाहर भेज देता था। और सेकंड बात ये भी थी कि आप जब क्लासरूम के अंदर स्टडी करते थे तो वो क्या करते थे आप, कि आप यही बोलते थे कि यस्टरडे टुमारो आई विल डू, टुमारो वी विल स्टडी, तो उसके कारण क्या होता था आपका जो स्टडी करना था वो रहता था और लास्ट में आपका खुद का फ्रेंच लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं था। तो ये जो सारी बात थे वो मिस्टर हेमल बता रहे। हिज पैट्रियोटिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन हिज प्रेज फॉर द लैंग्वेज एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल। ही टोल्ड देम to guard it as being close to one's language is the key to escape from the prison of slave. तो अपनी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज अपने इन स्लेव के अंदर आ जाती, यानी जर्मन बुलों के अंदर आ जाती। They realized the importance of learning their language and that they have been defeated because of their illiteracy. उसके बाद सारे फ्रेंड्स के जो स्टूडेंट थे उसको रियलाइज होता है कि अपनी लैंग्वेज के बारे में हम स्टडी नहीं करते। आफ्टर दैट वो रियलाइज करते हैं कैसे हमने अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज के बारे में हमने अवॉइड किया। फ्रांस विल दैट
it is not possible to take away one's language from him, as it is natural for each being made with the food, the visions of friends to the dead. और लास्ट में हमने लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है उसके बारे में बताया कि अपनी लैंग्वेज के बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं. ओके, तो हियर वी आर स्टडी द समरी ऑफ द चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द लेसन. ओके, थैंक यू.